लोगो इस वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो आज अपने पास वन प्लस नॉर्ड सीई 4 5G फ़ोन, और आज हम आपको बताएंगे कि आप लोग वन प्लस नॉर्ड सीई 4 5G फ़ोन के अंदर आप लोग 5G नेटवर्क सेटिंग किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग इस स्मार्टफोन के अंदर 5G चला सकते हो। क्या गाइस, 5G नेटवर्क सेटिंग के बारे में सारी जानकारी हम आपको यहाँ पे देंगे। आपको किस तरीके से 5G नेटवर्क सेटिंग करनी है एंड किस तरीके से आपको 5G चलाना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पर मिलेगी। वीडियो को लाइक करते, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे 5G नेटवर्क सेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे अपने फोन के सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने फोन के सेटिंग ऐप को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ऊपर यहाँ पे वाईफाई के नीचे एक मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपको मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे जिस सिम कार्ड में 5G चलाना हो उस सिम कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। उससे पहले आपको नीचे एक मोर सेटिंग का आइकन मिलता है। सिंपली आपको मोर सेटिंग के आइकन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्मार्ट 5G का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली ये वाली सेटिंग अगर आपके फ़ोन में बंद है तो पहले इस सेटिंग को आपको चालू करना है। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको सिंपली आपको यहाँ पे सिम कार्ड मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको जिस सिम कार्ड में 5G चलाना है सिंपली उस सिम कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो मुझे सिम 1 में चलाना है तो मैंने 1 पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको प्रीपेड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली प्रीपेड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली प्रीपेड नेटवर्क टाइप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे देखना है ये 2G 3G 4G पे है तो सिंपली इसको 5G 4G 3G ऑटो पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपके फ़ोन में 5G नेटवर्क है वो आसानी से चलने लग जाएगा और आप भी इसी तरीके से 5G चला सकोगे।